नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन में। दोस्तों, बात करने वाले ब्रेडकॉम स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल के टाइम देखा जाए तो नॉन स्टॉप गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है कंपनी को। दोस्तों, जिस प्रकार सेबी का जैसे ही नोटिस थमा हाथों में, दोस्तों शेयर में गिरावट नॉन स्टॉप देखने को नजर आई और शेयर होल्डर्स बर्बाद होते हुए नजर आए। तो फिलहाल के टाइम दोस्तों क्वार्टर फोर पहले किस प्रकार की जो गिरावट है वो यहाँ पे नजर आ सकती है और किस प्रकार की रिकवरी नजर आ सकती है, एक्सपर्ट की क्या राय यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों, उसी बीच अगर आज की प्राइस की अगर बात की जाए ओपनिंग की, तो जो तीनों जो प्राइस नजर आने वाली है वो सेम एक ही प्राइस नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में कुछ भी आज इसके ब्रेडकॉम के ग्रुप के जो मार्केट में बिल्कुल भी हलचल आप लोग को नजर नहीं आई। इस बीच यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कंपनी डिविडेंड धीरे धीरे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब पिछले टाइम दोस्तों 1.97 का जो डिविडेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा था, सॉरी 1.96 का जो डिविडेंड यहाँ पे मिलता देखने को मिल रहा था, वो आज देखा जाए तो 2.26% का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी बढ़ाती हुई नजर यहाँ पे आ रही है। अब जिस प्रकार दोस्तों पिछले 5 ट्रेड की अगर यहाँ पे बात की जाए तो उसमें 3.80 रुपये का सर्किट लोअर सर्किट में जाता हुआ नजर आने वाला है और 22.22% के रिटर्न में ऑलरेडी गिरावट यहाँ पे नजर आने वाली है। तो नॉन स्टॉप जो गिरावट है वो काफी ज्यादा भयंकर गिरावट यहाँ पे नजर आने वाली है। और उसी बीच अगर यहाँ पे पिछले 1 महीने की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उसमें जो गिरावट नजर आ रही है वो 5.20 रुपये की गिरावट ऑलरेडी नजर आ रही है और 28.11% के रिटर्न में भारी गिरावट दोस्तों देखने को नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों कंपनी जैसे एक सेबी ने दोस्तों कंपनी को जो नोटिस यहाँ पे थमाया उसके बाद दोस्तों शेयर धड़ाधड़ गिरता हुआ नजर आया और शेयर होल्डर्स कंगाल होते हुए नजर आए। अब उस बीच यहाँ पे देखा जाए तो वही दोस्तों 6 महीने वाला जो ग्राफ है एक बार फिर उसी लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है और लगातार दोस्तों शेयर में जो गिरावट का जो दौर है वो बिल्कुल रुकने का नाम यहाँ पे ले नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम लग ही रहा था कि कंपनी को दोस्तों ऑलरेडी डिविडेंड यहाँ पे आउट कर रही, तो शेयर में रिकवरी जो है वो बढ़कर नजर आ सकती है। और दोस्तों अगली जो अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है, ब्रेडकॉम ग्रुप शेयर के शंकर शर्मा, यह शेयर अपने शिखर से 90% नीचे ऑलरेडी जा चुका है। दोस्तों अब एक्सपर्ट की राय का जो मानना है वो ये देखने को मिल रहा है कि जल्दी से जल्दी शेयर को एग्जिट करने की जो आवश्यकता है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों सेबी ने हाल ही में ब्रेडकॉम ग्रुप को दोस्तों जो नोटिस यहाँ पे भेजा था उसके वजह से शेयर में गिरावट बजरी देखने को मिल रही है और भारी गिरावट का शेयर होल्डर्स को सामना करना पड़ रहा है। भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड सेबी ने दोस्तों नोटिस में कंपनी के वित्तीय विवरणों में बड़ी धोखाधड़ी का आरोप यहाँ पर लगाया गया था और कंपनी के सुरेश कुमार रेड्डी, विजय कचारिया, रिया डोडे, रमेश रेड्डी और वास श्रीनिवास राव के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित यहाँ पे कर दिया गया था। अब दोस्तों अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लगातार आने वाले फ्यूचर टाइम में शेयर में बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कि दोस्तों एक्सपर्ट का जो राय का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिला कि शेयर विश्लेषक हुए 17, उन्होंने उम्मीद है कि निकट भविष्य में दोस्तों शेयर में गिरावट यहाँ पे जारी रह सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो जो गिरावट जो जारी रहने का जो अनुमान है वो यहाँ पे बड़ा लगाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि निवेशकों को सलाह दी जाए कि वे तुरंत स्टॉक से अपनी होल्डिंग बाहर निकले और इस नकारात्मक भावना के परिदृश्य में स्टॉक 5 रुपए के स्तर को छूने के निकट अवधि में मुक्त गिरावट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल टाइम दोस्तों जल्दी से जल्दी एग्जिट आप यहाँ पे कर सकते हैं एक्सपर्ट की राय के मुताबिक और क्वार्टर फोर में दोस्तों कंपनी को एक बार फिर से गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल टाइम दोस्तों बेसिक फंडामेंटल की और बेसिक जानकारी की ओर लेकर चलता हूँ, उससे पहले बता दूँ चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों उसी बीच यहाँ पे देखा जाए तो सेलिंग का जो ऑर्डर बुक है वो एक बार फिर से देखने को मिला है। 10.5 लाख शेयर यहाँ पे एक बार फिर से सेलिंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आए हैं 13.30 रुपये की प्राइस पर दोस्तों। और आज का कारोबार अगर यहाँ पे ऑलरेडी देखा जाए तो 20,55,173 शेयरों का कारोबार नजर आने वाला है और मार्केट कैप में एक बार फिर से दोस्तों गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है। धीरे धीरे मार्केट कैप यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है, पर आज का इंट्राडे वैल्यू ऑफ रिस्क यहाँ पे देखा जाए तो उसमें सिक्योरिटी व्यवहार दोस्तों जो है 61.65 की नजर आने वाली है और उद्योग मार्जिन एक बार फिर से देखने को मिला है दोस्तों 64.85 का और अप्लाई केवल मार्जिन रेट 100% यहाँ पे नजर आने वाला है। उसी बीच अगर आज की डिलीवरी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आज की जो डिलीवरी जो रहने वाली है 100% की डिलीवरी यहाँ पे नजर आने वाला है और क्वांटिटी का जो ट्रेड जो देखने को मिल रहा है वो 18,87,483 शेयरों का ऑलरेडी नजर आने वाला है। तो दोस्तों अंतर काफी ज्यादा देखने को मिला है, भयानक गिरावट का जो दौर है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है और शेयर होल्डर्स को दोस्तों एग्जिट करने का जो मौका है वो भी बाद में नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम शेयर की जो प्राइस है वो 13.30 रुपये पर वर्तमान टाइम में नजर आ रही है। एक्सपर्ट की राय जो देखने को मिल रही है वो 5 रुपये तक शेयर में गिरावट यहाँ पे अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो बिल्कुल भी दोस्तों रिस्क आप लोगों को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले ऑल टाइम पर दोस्तों 108 रुपये से शेयर की जो प्राइस है वो ऑलरेडी गिरकर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं किस लेवल पर आ चुकी है और शेयर होल्डर्स किस प्रकार यहाँ पे कंगाल ऑलरेडी हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों 108 रुपये से शेयर की जो प्राइस थी वो ऑलरेडी 12 रुपये पर आ चुकी है और शेयर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं और कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। दोस्तों कर्जे से तो रिकवर हो जाएंगे, पर दोस्तों जिस प्रकार की कंपनी के जो कर्मचारी धोखाधड़ी जिस प्रकार कर रहे हैं तो शेयर होल्ड ऑलरेडी दोस्तों कंपनी का बर्बाद होना जायज सी बात है। तो उस प्रकार आप लोग को बिल्कुल भी रिस्क लेने की आवश्यकता ज़्यादा देखने को नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल इतना दोस्तों इस शेयर के बारे में अपनी जो
भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेन स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।